बोली सच्ची दरबारी की, बोली राधा कृष्ण भगवान की। तो आई इस तरह से भगवान कन्हैया ने जब कालिया डांग को नाथा है, कालिया डांग को नाथने के बाद में भगवान कन्हैया अब तो देखते इधर यमुना जी को पार करके बाहर आए। और जब बाहर आते हैं भगवान कन्हैया, वही यमुना जी के किनारे पर रात भर रहे। जब रात भर वहीं पर रहते हैं तो रात के समय हुआ क्या, उस जंगल में आग लग गई। जब आग लगी जाती है, जैसी आग लगी हुई देखी तो सारे ग्वालों ने भगवान कन्हैया को उठाया, और भगवान कन्हैया को उठाया, भगवान ने देखा कि चारों तरफ से उस जंगल में आग लगी थी। जैसी आग लगी हुई भगवान कन्हैया ने देखी तो क्या किया, उस अग्नि को पान कर जाते। और जब भगवान अग्नि को पान कर गए और सबकी रक्षा की है, सबकी रक्षा की भगवान कन्हैया ने, सुबह हुई, सुबह होते कर सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के वहां से भगवान कन्हैया वापस आए। और जब वापस आते हैं इस तरह से भगवान कन्हैया कालिया नाम को डाता है। धीरे धीरे भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं होती चली जा रही थी। भगवान कन्हैया ने देखते हैं कैसे गोवर्धन की पूजा कराते हैं। एक दिन की बात थी कि मैया यशोदा ने अपने बेटा कन्हैया से कहा है, कन्हैया ऐसा है ना, आज तू गाय बछड़ी चराने के लिए नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा, मैया क्यों नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, मैं तुझसे जितना कहती हूँ तू उतना काम कर। कन्हैया ने कहा, ठीक मैया नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया घर में खेलने लगे, और जब खेलने लगे, खेलते खेलते कन्हैया वहां से गए और पहुंचे हैं सभी गोपी बाल जो थे उनके घर जाते। भगवान ने सबके घर में क्या देखा कि पूरी और पकवान बन रहे थे। भगवान लौट करके अपने भी घर वापस आए। जब वापस आए भगवान कन्हैया, तो आज भगवान कन्हैया करते क्या है, अपनी मैया से पूछा कि मैया ये बताओ आज कौन सा त्योहार है। मैया ने कहा, क्यों कहा। मैया में जिसके भी घर जा करके देखा कि उसके घर में पुड़ी और पकवान बन रहे थे। हे मैया, तू ये बता कि आज के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है। भगवान ने कहा, हे मैया, कि मैया ये आज नया उत्सव वो किस लिए मनाया जाता है। Yeah.
कहने लगे कि मैया आज के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है, क्योंकि सबके घर में पूरी और भगवान बन रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया कहने मैया तू आखिर मुझे बताती क्यों नहीं, हुआ क्या है, क्या है आज कौन सा त्योहार? तो मैया तो नहीं बोली, मैया चुप बैठी थी। मैया जब कुछ नहीं बोलती तो बाबा नंद जी कहा कि नैया क्या तुझे नहीं पता? कहा बाबा मुझे तो नहीं पता कि यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। कन्हैया क्या तुझे ये नहीं पता कि आज क्या है? कन्हैया ने कहा नहीं बाबा मुझे तो नहीं पता। कहा कन्हैया आज के दिन हम सब लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और जब वो उसकी पूजा करते हैं तो वही इस पृथ्वी पर बरसात करता है, और जब बरसात होती तो हरी भरी घासें उगती हैं, और जब घास उगती है हमारी गैया बछड़ा इस घास को चर करके हष्ट पुष्ट होते हैं, और उन गांवों का दूध पी करके हम सब लोग हष्ट पुष्ट होते हैं। ये बात सुनी तो कन्हैया कहने लगे बाबा क्या बताया जाए, अरे देवराज इंद्र की पूजा वो हम लोगों को क्या दे सकता है कि बतिलावो तो धन रामी हमें वही इंद्र बेचारा क्या देगा जो खुद ही औरों के सहारे है वे हमें सहारा क्या देगा। कहे बाबा जो खुद दूसरों के सहारे रहता है भला वो अब लोगों को क्या सहारा दे सकता है। ये कितनी बड़ी बेढंगी दुनिया है। कन्हैया ने कहा है बाबा कि जहां बेढंगी दुनिया वो भूले भुलैया में भुलाने जा बेढंगी दुनिया डंडा ले धावे वो भीगी ना दे जीत
कोई नहीं करता और पूजा सब उसे इंद्र की करते। अरे वो हम लोगों को क्या दे सकता जो खुद दूसरों के सहारे रहता है। तो इधर भगवान के नैया कहते हैं, बाबा यदि आप मेरी बात मान जाएं तो आज इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए। तो बाबा आनंद कहने लगे, ठीक है कन्हैया, अगर तू यही चाहता तो आज यही होगा। किस तरह से गोवर्धन की पूजा करेंगे सभी भक्तगण? रात्रि के समय ये कथा होगी। तो माताएं बहने गोवर्धन की पूजा में खीर पूड़ी पुआ बना करके लाएंगे, जिससे गोवर्धन की पूजा की जाएगी। और गाय का गोबर और मंगा लेना गोवर्धन बनाने के लिए। परीक्षित जी, बुरी सच्ची दरबारी की।